बीट नीदरलैंड बाई 99 रन, और वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा मैच जीत के टॉप ऑफ द टेबल में बैठे न्यूजीलैंड टीम। और लिटरली वर्ल्ड कप से पहले ना आप किसी से पूछते भाई टॉप फोर टीम कौन है या कौन सी चार टीमें फेवरेट हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए, तो सब पता है क्या बोले थे भाई, इंडिया क्योंकि होम ग्राउंड एडवांटेज है भाई, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वर्ल्ड कप में डोमिनेट करती है भाई, इंग्लैंड क्योंकि यू नो डिफेंडिंग चैंपियन और जिस हिसाब का क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड फेवरेट है, उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ा है टॉप ऑर्डर भाई ब्ला। बट भाई आप लोग न्यूजीलैंड को कैसे बाहर कर सकते हो आईसीसी टूर्नामेंट में, कैसे कर सकते हो न्यूजीलैंड को बाहर आप लिटरली, चाहे उनका वो पिछले वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड देख लो, चाहे T20 के रिकॉर्ड देख लो, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप के रिकॉर्ड देख लो, भाई अंडर डॉग नहीं है ये, साइलेंट किलर हैं, सीरियल किलर, मतलब आएंगे ख़त्म करके चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितनी पावरफुल टीम है लिटरली भाई। ये प्रूफ कर रहे हैं डे बाई डे कि वाई वी आर फेवरेट टू विन दिस वर्ल्ड कप। हम बात करेंगे शुरू से, टॉस जीत के नीदरलैंड ने चूज़ करी बॉलिंग, और पहले के 3 ओवर तो ऐसे थे कि बोल्ट और फर्गुसन वहाँ से करा रहे हैं बॉलिंग, बट बाद में देखा तो भाई थोड़ा सेट होने में टाइम लगा रहे थे। बट उसके बाद जब धुनाई करी कॉनवॉर विल यंग ने, तो एक तरफा मतलब लगभग 10 ओवर में यू नो 70 रन बन गए थे, और मेरे को लगा था ना कॉनवॉ आज भी सेंचुरी मारने वाला है और आज विल यंग भी सेंचुरी मारने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली कॉनवॉ यू नो बजी लिंडे को कैच थमा बैठे और 32 रन पे वापस चले गए। बट उसके बाद आए हमारे यू नो हमारे देश के क्या बोलते हैं रचिन रविंद्र, भाई इंडियन टीम से खेलता तो कितनी मज़ेदार बात होती ना, मतलब कुछ कुछ प्लेयर हमारी कंट्री के बाहर से खेलते हैं तो बड़ा अजीब लगता है उनको देख के, मतलब सपोर्ट करने का मन भी करता है एट द सेम टाइम हमारी बस टीम के अगेंस्ट ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए भाई रचिन रविंद्र। लिटरली भाई आज भी 50 मारे विकेट भी लिए, बढ़िया बंदा है भाई बढ़िया। पर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर ये इंडिया में खेलता तो क्रिकेट आज इस टाइप का यू नो चांस नहीं मिलता, मेरे को ऐसा लगता है। बट अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको लगता है अगर ये इंडिया टीम से यू नो इंडिया में खेलता ऐसा हो, इसको वर्ल्ड कप में चांस मिलता टीम इंडिया की तरफ से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 51 रन की पारी आज भी खेल के गया और वो भी उसके बाद पवेलियन चले गया। विल यंग 70 में यू नो अनफॉर्चुनेट था जो आउट हुआ, उसके बाद डेरी मिचेल ने 48, लगभग सब ने अच्छा खेला। टॉम लेथन ने 53 रन की पारी खेली और फिर मिचेल सेंटनर ने लास्ट यू नो फिनिशिंग अच्छी करी, 17 बॉलों में 36 रन बनाए 3 चौके और 2 छक्कों के साथ, और 322 रन का टोटल हुआ। टोटल मेरे को लगा था ना आज 400 रन बन सकते हैं लिटरली, मतलब यू नो जिस हिसाब से ओपनिंग शुरू हुई उसके बाद रचिन रविंद्र और विलियम की पार्टनरशिप हुई, मेरे को लगा आज यू नो 350 तो क्रॉस कर देना चाहिए। वहीं पे आपको नीदरलैंड के बॉलर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि न्यूजीलैंड जैसी टीम को यू नो 322 पे रोक दिया था, वहीं इंग्लैंड को इनने घोड़े खोल दिए थे न्यूजीलैंड वालों ने, वहीं नीदरलैंड ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी। अगर आप बॉलिंग देखो तो आर्यन दत्त ने 2 विकेट निकाले, यू नो पॉल ने 2 विकेट निकाले और लोफर ने 2 विकेट निकाले और बजडी लीडे ने 1 विकेट निकाला, और बॉलिंग अच्छी थी आज नीदरलैंड की लिटरली, मतलब बॉलिंग और फील्डिंग नीदरलैंड की अच्छी थी। ये लैग कहाँ पे कर जाते हैं फिर से बैटिंग में। अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें नीदरलैंड की तो यू नो मैट हेनरी और सेंटिनर ने ओपनर विक्रमजीत और मैक्स को जल्दी पवेलियन भेजा, और जब एकरमैन और बजडी लीडे खेले थे ना बढ़िया पार्टनरशिप हुई थी, बढ़िया पार्टनरशिप लिटरली। फिर बजडी लीडे का यू नो रचिन रविंद्र ने विकेट निकाला, और जब उसके बाद तेजा और एकरमैन की यू नो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी और जो रन आउट हुआ ना वहाँ से गेम चेंजिंग मोमेंट था। पता है नीदरलैंड और सिर्फ जो छोटी छोटी टीम होती है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, बैटिंग, लिटरली बैटिंग उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लाइक वो बॉलिंग अच्छी कर देंगे और फील्डिंग अच्छी कर लेंगे, बट बैटिंग ऐसे ही है ना जहाँ पे चोक कर जाती है, मतलब बड़ी बड़ी टीम चोक कर जाती है फिर तो ये मतलब एक इमर्जिंग नेशन है। वहीं पे मतलब एक पार्टनरशिप जब ब्रेक हो जाती है ना उसके बाद फिर से वो पार्टनरशिप बिल्ड करनी बहुत एक चैलेंजिंग चीज़ होती है किसी भी टीम के लिए, और वहीं पे ये लैग कर जाते हैं या फिर एक्सपीरियंस बोलो या यू नो अभी जितना खेलें क्रिकेट वहाँ पे उतना यू नो एक्सपोजर नहीं मिलता ऐसी टीमों को। अगर ये ऐसी खेलते जाए ना बड़े बड़े टूर्नामेंट तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को रिप्लेस कर सकते हैं ये नीदरलैंड या जिम्बाब्वे जैसी टीम, अगर इनको एक्सपोजर मिलता गया तो। बट अगर वहीं बात करो तो यू नो 223 रन पे ऑल आउट हुई टीम, बट आप बोल सकते हो दोनों ही मैच में नीदरलैंड ने फाइट किया, ऐसा नहीं कि भाई एक तरफा हार रखे या कुछ है, फाइट करके हारे लिटरली, मतलब सारे प्लेयर आप देखो कंट्रीब्यूट कर रहे अपनी टीम के लिए, चाहे वो 10वें यू नो पोजीशन में का प्लेयर हो चाहे मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हो, कोई भी अपनी तरफ से जितना भी हो सके टीम को कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर अगर वहीं आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखोगे तो मिचेल सेंटनर बने आपके मैन ऑफ द मैच, लाइक 10 ओवर में 59 रन देके 5 विकेट निकाले और हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस वर्ल्ड कप में अभी तक का। वहीं अगर रविंद्र रचित ने 1 विकेट निकाला और मैट हेनरी ने 3 विकेट निकाला, बोल्ट खाली हाथ गए, लॉकी फर्गुसन हाथ खाली हाथ गए आज, और 99 रन की ईजी विक्ट्री हासिल कर ली आपकी न्यूजीलैंड की टीम ने। और जबकि अभी आपके उसमें यू नो टीम सऊदी नहीं है,
केन विलियमसन नहीं है और सोडी नहीं है, जिमी निशन भी बाहर बैठ गए आज तो लिटरली भाई न्यूजीलैंड की टीम एक अंडरडॉग नहीं है, एक सीरियल क्लियर है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत टीमों को मतलब फाड़ के रखने वाली है, चाहे वो इंडिया हो गई, चाहे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, लिटरली भाई बहुत मज़ा आने वाले है न्यूजीलैंड के मैच देखने में। तो लेट्स सी क्या होता है, तो सी यू सून, टिल देन बाय।